गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर सिविक्स बुक लेसन 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी बैलेंस्ड रिपोर्ट की। बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या है कि जब किसी भी न्यूज़ किसी भी मुद्दे के दोनों तरफ बराबरी से दिखाए जाते हैं तब वो क्या कहलाती है, बैलेंस्ड रिपोर्ट कहलाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है, जब सरकार की ओर से किसी भी काम के ऊपर रोक लगा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर अ न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम अ मूवी और द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक, दिस इज रेफर टू एज सेंसरशिप। जब किसी भी चाहे कोई मूवी के सीन होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो मूवीज़ होती हैं जब वो बन जाती है तो पहले कहाँ जाती है, सेंसर बोर्ड के पास जाती है। जब उसको सेंसर बोर्ड चेक करता है कि कुछ उसमें कोई ऐसे सीन्स तो नहीं है जो कि किसी कम्युनिटी को पर्टिकुलरली या किसी को हर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है बात, उसको क्या किया जाता है, बीच से निकाल दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सेंसरशिप जो है वो हो जाती है। या कुछ पूरा का पूरा ही अगर कोई काम हमें गलत नज़र आता है तो क्या होता है, उसको बिल्कुल कम्प्लीटली रोक दिया जाता है। देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। द वर्स्ट of these was the emergency between 1975 and 77। सरकार की ओर से बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो न्यूज़ होती हैं इनको सेंसर कर दिया जाता है, जिसमें कि एक बार 75 से 77 के बीच में एमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस समय में क्या किया गया था कि न्यूज़ जो थी उनको सेंसर कर दिया गया था। गवर्नमेंट जो होती है कई बार क्या है कि कंटिन्यू नहीं कर पाती कि न्यूज़ वगैरह को सेंसर करने में। कहते कि आजकल ऐसा अक्सर होता है कि न्यूज़पेपर्स जो हैं या फिर बहुत सारी न्यूज़ हैं वो सेंसर नहीं हो पाती, उनको क्या किया जाता है, वो एक बैलेंस स्टोरी नहीं दिखा पाते। अगर हम उसके रीज़न्स ढूंढते हैं तो रीज़न्स क्या हो सकते हैं कि क्या है कि जो लोग हैं मीडिया को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, अपनी न्यू एड्स ज़्यादा करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मीडिया हाउसेज होते हैं उनके पास वहाँ से पैसा आता है। लेकिन क्या है कि अगर हम जो पैसा नहीं आएगा तो मीडिया हाउसेज नहीं चलेंगे, और वह कहाँ से आता है, ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग कंपनी से आता है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि वो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो हैं अपनी मर्जी से जो चाहती हैं उसको वो करवा लेती हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें इसीलिए क्या होता है कि सिर्फ वन साइडेड स्टोरी जो होती है वो दिखाई जाती है। सेटिंग एजेंडा, एजेंडा जो है वो कैसे सेट किया जाता है। द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी। ठीक है, मीडिया जो होता है वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि मीडिया कवरेज किस चीज़ की करना चाहता है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे स्कूल का कोई फंक्शन है तो उसको क्या कि कोई बड़ा मीडिया हाउस कवर करने, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए वो एनुअल फंक्शन बहुत बड़ी बात हो सकता है लेकिन उसके लिए वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमने वहाँ पर कोई किसी बड़े स्टार को, किसी को कोई बहुत अच्छी हाईफाई पर्सनैलिटी जो है उसको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है, तो क्या होगा, मीडिया जो है फटाफट से आकर उसको कवर करेगा और उसको कवर करके क्या करेगा, एक एजेंडा सेट कर लेगा और फिर उसको शो करेगा। Very recently the media drew the attention to alarming levels of the pesticides in cola drinks. They published reports that indicated the high level of the pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. मीडिया ने क्या किया कि जो कोलास थे उनके बारे में बताया कि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश कर दी। जब पब्लिश की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके क्वालिटी चेक्स जो हैं वो बार बार होने चाहिए, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स डला हुआ जो कोलास अगर हम ड्रिंक करते हैं तो क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, जिससे क्या है कि हज़ारों लोग क्या है बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं मिल पाता। और क्या है कि जो मीडिया है कभी भी इस मुद्दे को
कहीं पर भी नहीं उठाता, क्योंकि वो उसके ऊपर लिखना नहीं चाहते। कोई मुंबई का एक एग्जांपल देखिए कि अगर एक फैशन वीक आया तो उन्होंने उसको क्या किया, बहुत अच्छे से शो किया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक स्लम एरिया जो था, बस्ती जो थी, वो डिमोलिश कर दी गई। मुंबई गवर्नमेंट ने जो है उसको डिमोलिश कर दिया और उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया और ना ही कभी किसी के नोटिस में उस बात को लाया गया कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा भी हुआ है। लेकिन क्या लगा, क्योंकि ये जो फैशन वीक था ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसी वजह से लोगों ने क्या किया कि इसको मीडिया ने जो है इसको न्यूज़ में लाकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। As the citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about the issues related to the working of the government. ठीक है, हम गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं, इसीलिए हमारे मीडिया जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये एजेंडा सेट करता है कि गवर्नमेंट जो है उसका उसकी कौन कौन सी स्टोरीज जो है हमने दिखानी है और गवर्नमेंट की कौन सी बातें जो है उनको हमने सेंसर करके रखना है। नाउ डेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय। गिवन दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अवेयर दैट द फैक्शनल इन्फॉर्मेशन दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन एंड नॉट कम्प्लीट एंड कैन बी वन साइडेड। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है तो वो क्या है हमारे लिए, कभी कभी वो क्या हो सकते, एक धोखाधड़ी हो सकते, एक गलत रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने पेश की जा सकती है। इसी वजह से हमें पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई बात हमें दिखाई जाती है तो हमें मन ही मन सोचना चाहिए कि क्या उसकी कोई दूसरी साइड भी हो सकती है। नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं उन सभी बातों को देख कर ही हमें किसी भी बात को कंक्लूड करना चाहिए। आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।